हाय फ्रेंड्स, एनबीटी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तनप्रीत। क्या आपको भी धूप में जाने से ये शिकायत हो रही है कि मेरे हाथों पर या चेहरे पर या पैरों पर पैचेस हो रहे हैं, जो कि सनबर्न भी आप कह सकते हैं, या फिर इतनी ज़्यादा स्किन टैन हो रही है और आपकी स्किन सेंसिटिव हो रही है कि आपको पैचेस आने लगे हैं? तो उसके लिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक होम रेमेडी, जिसको आप लगाएंगे तो आपके जो पैचेस हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो क्या है ये रेमेडी, चलिए जानते हैं। पैचेस को हटाने के लिए जो हम रेमेडी बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें लेना है 1 टेबलस्पून राइस पाउडर, चावल का आटा लेना है। उसके बाद 1/2 टेबलस्पून हमें उसमें हल्दी मिलानी है। साथ में हम मिलाएंगे 1 टेबलस्पून शहद और फिर उसके बाद गुलाब जल, जितनी हमें जरूरत है। अब इसे आपको अपने उन जगहों पर अप्लाई करना है जहां पर आपको लगता है कि आपके बहुत ज्यादा स्किन पर पैचेस हैं, चाहे वो हाथ हो, पैर हो या फिर फेस हो। क्योंकि जनरली हम जब सैंडल्स पहनकर बाहर निकलते हैं तो पैर के कुछ एरियाज में हमारे पैचेस आ जाते हैं। कई बार हम हाथ पे, हमें लगता है कि फुल स्लीव तो हमें पहना है, लेकिन हमारा जो ये हथेली का पोर्शन है, आउटर साइड, वहां पर हमें पैचेस आ जाते हैं। और सनबर्न स्किन पर कहीं पर भी हो सकता है। तो उन पैचेस पर आप ये जो रेमेडी है वो अप्लाई कीजिए, उसे कुछ देर के लिए रहने दीजिए और हल्की सी मसाज करके आप ठंडे पानी से मुंह धो लीजिए। तो ये जो राइस पाउडर पैक है जिसमें हमने हल्दी मिलाई है, इसको आपको जिस तरीके से आप हाथ में तो लगाएंगे, लेकिन आपको क्या पता है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो राइस पाउडर, क्योंकि हमें लगा करके स्क्रब करना है, मसाज करना है, तो राइस पाउडर जो हमारे पैचेज हैं, स्किन पर पैचेज आए हैं तो वो डेड स्किन है कहीं ना कहीं, तो वो मसाज करने से एक स्क्रबिंग का काम देगी और आपके जो पैचेज हैं वो लाइटन करने में मदद करेगी। हल्दी जो कि एंटी बैक्टीरियल का भी काम करती है, प्लस आपके स्किन को लाइटन करने का भी काम करती है, तो इसीलिए हमने इसमें हल्दी मिलाई है। और जब भी आपको सन टैन, सन बर्न ऐसी दिक्कत होती है तो उस पर हल्दी रामबाण का काम करती है। प्लस हनी, तो हनी से ये होगा कि आपकी स्किन में जो टेक्सचर है आपका स्किन का, वो हमेशा स्मूथ रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगेगा धोने के बाद कि मेरी स्किन जो है वो ड्राई हो गई। प्लस गुलाब जल, गर्मी का टाइम है इसलिए हमने ठंडक डालने के लिए गुलाब जल का यूज़ किया है। तो इस पैक को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, लगाइए, 10 मिनट तक रखिए और उसके बाद ठंडे पानी से धोकर देखिए कि आपकी स्किन कितनी अच्छी वापस खिली खिली दिखेगी। तो फ्रेंड्स, ये हल्दी राइस पाउडर वाला पैक मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे जब भी सनबर्न या ऐसे पैचेस की दिक्कत होती है तो जनरली मैं यही पैक अपने घर पर अप्लाई करती हूँ। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको ये पैक कैसा लगा, और साथ ही आपको एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है ताकि ऐसी होम रेमेडीज की अपडेट्स आपसे मिस ना हो सके।